नमस्कार, स्वागत है आपका इंस्टा फीड में। मैं शुभा श्रीवास्तव एक बार फिर हाजिर हूँ। चले नजर डाल लेते दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर रफ्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने का ऐलान कर दिया है। इसी को लेकर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक की है, जिसमें बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। आज दोपहर हुई इस बैठक में यूपी सीएम के साथ सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी सौंदर्या, निर्माता निर्देशक मधुर भंडारकर, अशोक पंडित, अभिनेता परेश रावल, गायक अनूप जलोटा, उदित नारायण, कैलाश खेर, लेखक विजेंद्र प्रसाद, गीतकार मनोज मुनस्सिर शामिल आदि लोग शामिल हुए। बता दें कि यूपी सरकार ने पूरा प्लान और प्रपोजल तैयार कर लिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार को आयकर विभाग का नोटिस पहुंचा है। ये नोटिस पिछले चुनाव के लिए दिए गए हलफनामे को लेकर पहुंचा है और सिर्फ शरद पवार ही नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मंत्री आदित्य ठाकरे, एनसीपी नेता सुप्रिया सुले को भी आयकर विभाग की ओर से नोटिस भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को यानी कल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग करेंगे। इस उच्च स्तरीय वर्चुअल मीटिंग के जरिए कोविड-19 की स्थिति, तैयारी और प्रबंधन की समीक्षा की जाएगी और पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली इस वर्चुअल मीटिंग में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले के चरारे शरीफ इलाके में चल रहे सुरक्षा बलों के ऑपरेशनों में एक आतंकी मारा गया है। वहीं मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी घायल हो गया है। वहीं मारे गए आतंकी के बाकी साथी इलाके भी छिप गए हैं और उन्हें दबोचने के लिए सेना ने इलाके में अभियान जारी रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए दुनिया को भारत में वसुधैव कुटुंबकम के महत्व को समझाया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के संस्थापक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत उस महान दृष्टिकोण का हिस्सा था। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यूएन विश्वास के संकट से जूझ रहा है और उसे इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच तीसरा किसान बिल भी राज्यसभा से पारित हो गया। राज्यसभा में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी दी। लोकसभा ने 15 सितंबर को आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 31,661 पदों को भरने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में बीटीसी छात्रों की वकील ऋतु रेलवाल ने यह याचिका दाखिल की है। याचिका में 31,661 पदों की भर्ती की यूपी सरकार की नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की गई। सेंसेक्स की शुरुआत 100 अंकों से ज्यादा हुई और निफ्टी में भी 30 अंकों की तेजी देखी गई है, लेकिन कुछ ही मिनटों में दोनों ही लाल निशान में आ गए। इसके बाद बाजार में उतार चढ़ाव का दौर शुरू हो गया। इस उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स 38,090 के आसपास ट्रेड कर रहा और निफ्टी 11,250 के इर्द-गिर्द कारोबार कर रहा है। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 55 लाख के पार हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 74,000 नए केस सामने आए, जिसके बाद कुल मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ। आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए इंस्टा फीड। नमस्कार। इंस्टा फीड।